With regards to some products of this company, YTM Private Limited, and some health-related issues, that is very, very important. आप लोग सब जानते होंगे कि अभी जो COVID-19 पैंडेमिक चल रहा है, सबको परेशान में रखा है. एंड न्यू जेनेटिक वेरिएंट हैज कम इनटू इंडिया, दैट इज कॉल्ड ओमिक्रॉन. आफ्टर अल्फा बीटा गामा डेल्टा वायरस का बाद अभी ये जो नया एपिसोड शुरू हो गया COVID-19 का, इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आता है. वो बोलता है, सर मेरा ये तबीयत खराब होता है, मैं इतना प्रॉब्लम में पड़ता हूँ. तो इसी वजह से आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस हैविंग डेल्ट विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द YTM विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स दैट आई हैव विजिटेड रिसेंटली. तो मेरा जो बात करना है, देखिए मैंने जो बात करना चाहता हूँ फेस करना पड़ता है. बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आता है, बोलता है सर घुटने को दर्द हो रहा है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, किसी को गाउट आर्थराइटिस होता है, यूरिक एसिड ज्यादा ब्लड में बढ़ जाता है. तो इसी वजह से सबको पेन विथ पेन एंड स्वेलिंग ए प्रॉब्लम देखे. अगर हर रोज मैं 100 पेशेंट देखता हूं, तो उसमें 80% पेशेंट जो आता है सबको यही प्रॉब्लम होता है. सर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, सही चल नहीं सकता है सर, बैठने का बाद वो दरा खड़ा नहीं हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम होता है. तो मुकेश जी मेरे को एक प्रोडक्ट दिया था YTM का, बाताहोरी बोटी बोल के. तो मैंने पहले सोचा था ये काम करेगा कि नहीं, तो वो मेरे को एक सैंपल दे दिया था. सैंपल से मैं किसी लोग के कुछ 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 दवा टैबलेट दिया था. मैं उसको बोला था जी गिव मी द फीडबैक आफ्टर यूजिंग ऑल दिस टैबलेट्स. तो आज पेशेंट मेरे को 2 दिन का बाद मेरे को जानकारी दे दिया, बोले सर मिराकल हो गया. कैसे? बोले 2 दिन, 2 दिन का बाद मैं ये जो टैबलेट आपने दिया था वो लेने का बाद मेरे को मालूम होता है मेरा दर्द कभी हुआ ही नहीं था. कोई दर्द, कोई नाम का कोई चीज ही नहीं है. मैं तजब बन गया, हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली आफ्टर टेकिंग टू टू डेज डोज, 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली फॉर 2 डेज मैंने प्रेस्क्राइब किया था. उसका बाद मैंने बोला था 1 टैबलेट वंस डेली और ट्वाइस डेली एवरी डे फॉर नेक्स्ट 7-8 डेज. तो वो 2 दिन का बाद मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, ये सर एक काम करता है, मैंने मतलब मैजिक है. आई हैव गॉन थ्रू द कंपोजिशन ऑफ द बाताहोरी बोटी, व्हाट इज देयर, व्हाई इट इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज जो प्रोडक्ट है, उससे क्या इसमें अलग क्या है, व्हाट इज द यूएसपी. तो आफ्टर हैविंग स्टडीड ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज देयर इन द बाताहोरी बोटी में जो कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स है, उसका स्टडी करने का बाद मेरे को मालूम हुआ, यस दिस इज द रीजन व्हाई दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग मैजिकल, व्हाई इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिड्यूस योर पेन ऑन और स्वेलिंग ऑफ योर नी की लो बैक पेन बोलिए, जहां पर दर्द होता है पूरा शरीर में, जहां पर भी दर्द होता है हाँ, तो वहां पर ये काम करता है. तो इसमें जो मैंने देखा है ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सीएमडी सर बिकॉज यू हैव गिवन अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव द रिलीफ टू द सफरिंग ह्यूमैनिटी, जिसका इतना प्रॉब्लम होता है, जिसको पेन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सब घर में ये पेन लेके बहुत आदमी, बहुत औरत बहुत परेशानी में पड़ जाता है. लेकिन बाताहोरी टैबलेट देने का बाद मैंने जो देखा है, इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, मेरे को लगता है अगर एक कैंसर पेन भी, मेरे को मालूम या नहीं, अगर कैंसर पेशेंट को भी मैं बाताहोरी टैबलेट दे देता वो बहुत काम कर सकता है. इसके साथ मैंने जो प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता हूँ ओजेट एल ऑयल बोल के, ओजेट ऑयल जो है ये मैसेज करना होगा हाँ, एक तरफ से मैसेज करना, जहां पर वो दर्द होता है. टैबलेट तो 2 टैबलेट दोनों दिन भर 2 बार लेना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 3 डेज, आफ्टर दैट 1 टैबलेट वंस ट्वाइस डेली फॉर नेक्स्ट 7-8-10 डेज. 3 महीने कंस्टेंटली ए टैबलेट आप ले सकता है. मैं आपको एक बात सूचना देता हूं, मैं बहुत 30 साल से एलोपैथिक मेडिसिन से काम किया है,
उसका बाद मैं लास्ट 10 ईयर्स आम आयुर्वेदिक मेडिसिन से काम कर रहा हूं, मैं डिफरेंस जानता हूं। बहुत सारे पेन किलर मार्केट में है, इफ यू हैव गॉट सम पेन एट योर जॉइंट लाइक योर नी पेन और पेल्विक पेन और लो बैक पेन, वट एवर पेन यू हैव इन योर बॉडी, यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब एन एनाल्जेसिक। डॉक्टर क्या करता है, आपको एक एनाल्जेसिक और पेन किलर देता है। लेकिन आप जानते ज्यादा से ज्यादा पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल, एसिटोमिनोफेन, नेप्रोक्सेन और ट्रामाडोल, वट एवर काइंड ऑफ पेन किलर दैट यू कैन यूज, इट इज गोइंग टू डैमेज योर सेल्स इन द बॉडी। कैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत ए मेरा जानकारी नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ए WHO एंड ICMR किया, ज्यादा से ज्यादा पेन किलर लेने से आपको, जब आपको उम्र ज्यादा हो जाएगा, आपको पेल्विस में जो बोन है, पेल्विक बोन, वो बोन में जो आप जानते हैं एसिडा बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है ना, वो बॉल जब घूमना बंद कर देगा, अर्थात आपका स्टीफ हो जाएगा पेल्विस बोन, आपका स्टीफ हो जाएगा, एसिटाबुलम जो जैसे एक आपका दर्द शुरू हो जाएगा, इसी वजह से आपको लो बैक पेन भी हो सकता है, साइटिका पेन भी हो सकता है, सो मेनी रीजंस आर देयर फॉर दैट यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ पेन। सो please stop using any allopathic analgesic tablet, because of long term use of analgesic tablet for long term, that is going to damage your pelvis bone, that is going to help you to reduce the bone loss, bahut sare problem aapko aa jata hai. To main aapko ek jankari dena chahta hu, if you start going to use batauri boti aap with apprehension of any side effect, you can start using Batahori Boti, 2 tablets twice daily for first 3 days, after that 1 tablet every day twice daily for next 7 hours, even 10-15 days you can continuously using without any fear in your mind, mera kuch khoti to koi damage to nahi ho jayega, kyunki 100% herbal product hai, isme koi chemicals nahi, koi steroid nahi, koi problem nahi hoga. Agar किसी को अगर यही सब पेन होता है, उसके साथ आप ओजेट क्या होगा, वो जहां पर पेन होता है आपका घुटने में, कमर में, जहां पर ही पेन होगा वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, दिन भर 2-3 times यू कैन मैसेज योर पेनफुल एरियाज एंड यू कैन रिलीफ, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिलैक्स योर मसल्स, मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, और पेन जो होता है सुपरफिशियल जो वो पेन भी आपको चला जाएगा। उसके साथ मैं आपको बोलूंगा आपको यूज करना होगा बोन हेल्थ, क्योंकि देखिए अब आदमी लोग को लिए बोलता हूं, जहां पर जिसका एज अबव 50 हो गया उसका बोन लॉस ज्यादा से ज्यादा होता है, जैसे औरत लोग को जहां पर उनका अब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड बंद हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलता है, मेनोपॉज का बाद क्या होता है उसको PMO पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब उसका जो मेनोपॉज का बाद जो आता है ना, उसका बोन लॉस इतना ज्यादा होता है, वो सहन नहीं पाता है, उसका दर्द बढ़ जाता है, एवं एंड ऑल्सो एंग्री हो जाता है, उसका बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो बोन लॉस रोकने के लिए उसका विटामिन D3 कैल्शियम उसका लॉस होता है एवरी डे, शी स्टार्ट्स लूजिंग ऑल दिस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बोन, दैट इज कैल्शियम फॉस्फोरस, ये निकल जाता है बोन से, तो इसके लिए उसको बोन हेल्थ इस्तेमाल करना पड़ेगा, टैबलेट 2 टैबलेट 1 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर नेक्स्ट 2-3 months उसको continuous to arthritis, for rheumatoid arthritis, whatever it is, she has to take or he has to take every day 1 tablet twice daily for next 2-3 months. Kyunki isme kya hai, isme jo hai apna apna isme hai spirulina hai, isme musli hai, isme green tea hai, isme oryango vulgar,
और ये अंगो भालगा जो हर्बल है ना उसमें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। आप जानते हैं व्हाट इज द आरडी ऑफ कैल्शियम? हर रोज मिनिमम 1200 मिलीग्राम कैल्शियम, विटामिन डी थ्री का बहुत जरूरत होता है। तो बोन हेल्थ में आपको ओरियांगो वाल्गार जो है उसमें 1000 मिलीग्राम पार्ट डोज में कैल्शियम मिलेगा। मतलब आप जो वन टैबलेट ट्वाइस डेली अगर लेना है आपको तो आपको 2000 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है जो आपका रिकमेंडेड डेली अलाउंस से मैच करता है। नंबर वन, एक कैल्शियम लेने से हर्बल कैल्शियम इसको इजीली डाल लिए हम लोग विटामिन डी थ्री मुस्टी बोले जो हर्बल कंपोनेंट है उसमें उसमें बहुत सारे विटामिन डी थ्री है। विटामिन डी थ्री इज गोइंग टू हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम लेने से कैल्शियम काम नहीं करता है, उसके साथ आपको विटामिन डी थ्री लेना पड़ता है क्योंकि विटामिन डी थ्री नहीं लेने से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी थ्री है, उसके साथ ग्रीन टी भी है। आप जानते हैं ग्रीन टी में एक इतना अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एपिगैमल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स डैमेज से आपका बोन टिश्यू लॉस हो जाता है, बोन का हेल्थ डैमेज हो जाता है, उसको रोकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन माय प्रैक्टिसिंग लाइफ मैं पहले बार देख रहा हूं कोई कैल्शियम कोई बोन हेल्थ का प्रोडक्ट में कोई एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आई एम वेरी मच थैंकफुल वंस अगेन टू द सीएमडी ऑफ दिस कंपनी बिकॉज ही हैज फॉर्मुलेटेड अ वेरी नाइस प्रोडक्ट फॉर अस दैट इज कॉल्ड बोन हेल्थ which is for the bone, that is जो मैंने बोला ओरियांगो वाल्गार, उसका साथ है आपका स्पिरुलिना, उसका साथ गैनोडर्मा गार्लिक, उसका साथ ग्रीन टी मुस्ली, ऑल दीज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर देयर इन वन प्रोडक्ट। आप सोच लीजिए एक प्रोडक्ट में इतना सारे ऑल इंपॉर्टेंट बोन कॉम्पोनेंट्स, उसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, उसमें विटामिन डी थ्री है, उसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। जैसे मैंने बोला था ग्रीन टी में एपिगैलो कैटेचिन थ्री गैले बोल के एक पावरफुल एंथोसायनिन, सो मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स आर देयर। एंटीऑक्सीडेंट रहने से क्या होता है, आपका जो उम्र होने का बाद क्या होता है, आपका बोन में जो प्रॉब्लम आता है, बोन आपका क्या होता है, बोन लॉस होता है, कैल्शियम लॉस होता है, विटामिन डी थ्री आपको हर रोज लॉस हो जाता है, उसको मेकअप करने के लिए आपको बोन हेल्थ लेना ही पड़ेगा। बोन हेल्थ वन टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months कंटिन्यूअसली, ये फॉर एडल्ट के लिए। और जिसका उम्र 18 से कम है, माय 6 to 18 ईयर्स ओल्ड एज में जो पेशेंट आता है, वंस डेली आफ्टर मील आप दे सकता है बोन हेल्थ को। तो ये जो प्रोडक्ट है बताहोड़ी टैबलेट, उसके साथ ओजिट ऑयल एंड बोन हेल्थ, ये तीनों टैबलेट एक साथ में, दो टैबलेट एंड एक ऑयल, एक क्लब करके एक पैकेज आप किसी को दे सकता है। अगर किसी को पेन रिलीफ करना होगा बताहोड़ी बोटी दीजिए, और बाद पेन का साथ जो बोन हेल्थ को डेवलप करना होगा, बोन हेल्थ को अच्छा करना होगा, उसको आप बोन हेल्थ दीजिए। और ये जो सर्दी का मौसम आ गया, ये जो विंटर सीजन चल रहा है, अभी हम लोग देखा है बहुत सारे जो बुजुर्गों है जिसका उम्र ज्यादा हो गया, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं जा रहा है। आप जानते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन आपका शरीर में ठीक से नहीं होगा, आपका दर्द हो जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो हमारा जो वेन होता है ना, आर्टरी होता है, ब्लड वेसल होता है, शुरू हो जाता है, पैसेज कंस्ट्रिक्शन होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वो पैसेज से नहीं जा पा रहा है, इसी वजह से आपको यू स्टार्ट फीलिंग पेन एट डिफरेंट जॉइंट्स, आपको जॉइंट मोबिलिटी खराब हो जाता है, आप चल नहीं सकता है, आपका मॉर्निंग सिकनेस भी आता है, सोने का बाद जब घूम से आप नींद से जब उठता है जागता है, आपको गोटा शरीर में गोटा बॉडी में आपको पेन आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट प्रॉपर इन ऑल ओवर द बॉडी। एंड व्हाई इट इज हैपेंड, बिकॉज ऑफ द वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, लेकिन कुछ चलने फिरने का बाद आपको अब ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, तब आपको ये दर्द निकल जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ओजेट ऑयल, ये मैसेज करना बहुत जरूर होता है ओजेट ऑयल से,
इसीलिए क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, पीएमओ, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, पेन रिलीविंग मैटर, एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया है। ये तो एक प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट जो है माइलिन जो टैबलेट है ना, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पाइल पाइल्स जिसको आता है, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल पाइल्स भी हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकता है, हेमरॉइड्स जिसको हम बोलता है। देखिए कभी कभी ये पाइल्स कैसे होता है, क्यों ये पाइल्स के लिए हमको टैबलेट लेना पड़ेगा। देखिए पाइल्स होता है कंस्टिपेशन जिसको आता है, मतलब जिसको बाउल क्लियरेंस ठीक से नहीं होता है, हर रोज ही इज नॉट एबल टू क्लियर अप हिज ओन बाउल्स, उसको दो तीन बाद उसको पॉटी ठीक से नहीं होता है, इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसको होता है, उसके लिए मैं आपको बोलूंगा यू स्टार्ट चेंजिंग योर हैबिट ऑफ हैविंग फूड्स। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन फूड लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं रेड मीट आप मत खाइए, शाकाहारी अगर होगा तो ठीक है, मसूर दाल आप मत लीजिए ज्यादा से ज्यादा, पी प्रोटीन जो होता है मटर शुटी प्रोटीन जिसको हम बोलता है वेजिटेबल, उसको ज्यादा से ज्यादा लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। सोयाबीन प्रोटीन से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है पड़ेगा नंबर वन। और उसके साथ आपको क्या करना है, बहुत सारे पानी पीना पड़ता है हर रोज, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू टेक और हैज टू ड्रिंक 3 to 4 liters वाटर। विदाउट ड्रिंकिंग ज्यादा से ज्यादा वाटर नहीं लेने से आपको ये जो पाइल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, ये कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, हमारा जो शरीर में गाट बोल के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो गाट होता है ना, गाट उफड़ा मतलब वहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर रहता है, लेकिन जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कम हो जाएगा, वो उसका काम क्या है, वो दे आर स्टेइंग इन आवर बॉडी एज अ पेइंग गेस्ट बिकॉज वी आर फीडिंग देम एंड दे आर गिविंग अस इन बैक व्हाट दैट अ बेनिफिट, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट दे आर प्रोवाइडिंग विद अस, दैट इज अ बेनिफिट दे हेल्प फॉर्म द स्टूल, स्टूल फॉर्मेशन करने के लिए, पॉटी जो होता है ना स्टूल के, तो स्टूल फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया का बहुत क्या करता है, मार्केट में जितना सारे प्रोबायोटिक्स सेल होता है, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स, हम लोग वो लाके खरीद करके लाके हम लोग खाते हैं, क्योंकि वी हैव टू इंक्रीज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए उसका, ज्यादा से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में नहीं होगा आपका स्टूल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ए स्टूल फॉर्मेशन के लिए इसको बहुत जरूरत होता है, जिसके पास हम लोग इतना सारे एंटीबायोटिक ले चुका हूं, तो हमारा वो माइक्रोफ्लोरा में वो गट फ्लाई माइक्रोफ्लोरा की वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन आता है, इसी वजह से हमको डायरिया भी होता है। तो ए प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, आपको हर रोज आपको जो बैलेंस डाइट आप लेता है उसके साथ आपको हर रोज हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप जैसे हम बोलता है कार्ड सावर मतलब टॉक दोई जिसको बांग्ला में बोलता है, उसको बोलता है जो मीठा नहीं टॉक जो होता है जिसको खट्टा खट्टा बोलता है, खट्टा दोई जो मिलता है कार्ड, वो लेना मल्टीपल ऑर्गेनिज्म वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू फॉर्म द स्टूल, और उससे साथ ज्यादा आपको पानी पीना पड़ता है, और पानी पीने से ज्यादा और लिविंग ऑर्गेनिज्म होने से क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं प्रॉब्लम होगा, आपका पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। जिसका पास वो पाइल्स होता है, पाइल्स होने से क्या होता है, जब वो प्रेशर में आप ज्यादा से ज्यादा जो आप प्रेशर डालोगे वहां पर क्या होता है, ब्लीड होता है, वो स्पिंक्टर फट जाता है, उसी हिसाब से वहां से ब्लीडिंग आता है। वो ब्लीडिंग को अगर स्टॉप करना है, वो पाइल्स को अगर रोकना है, इंटरनल पाइल्स होगा कि एक्सटर्नल पाइल्स होगा कि ब्लीडिंग पाइल्स होगा, उसको अगर रोकना है तो आपको पाइलेंट पाइलेंट टैबलेट लेना पड़ेगा हर रोज एक टैबलेट दिन भर दो बार लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 to 2 months, उस लिटिल बिट लुकवार्म वाटर
टैबलेट लेना पड़ेगा पाइल्स के लिए। अच्छा, इसका बाद मैं जो बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारा आज तो दो प्रोडक्ट में मैं डिस्कस किया है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे आज हर घर में इतना सारे बीमारी आ गया सबको, मैं देखता हूँ हर रोज, मैं जितना चेम्बर में प्रैक्टिस करता हूँ, किसी का शुगर बढ़ जाएगा, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, इवन यंग एज का डायबिटीज हो गया, मतलब एक बहुत अनकॉमन है जुवेनाइल डायबिटीज, उसका भी शुगर ज्यादा हो गया क्योंकि उसका टेंशन इतना बढ़ गया। पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे आदमी को नौकरी खो दिया, उसका कोई इनकम नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसका टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन से क्या होता है, उसका शुगर के ब्लड शुगर में ज्यादा स्पाइक हो जाता है। तो ये जो ब्लड शुगर व डायबिटीज, ये इतना बढ़िया प्रॉब्लम, इसीलिए इंडिया हैज बिकम द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। प्रॉब्लम लाइक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एक कॉमन हो गया, गैस, फ्लैचुलेंस, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, डिस्पेप्सिया, हार्ट बर्न, पायरोसिस, इतना सारे प्रॉब्लम आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कंस्टिपेशन, बहुत सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्थ अगर ठीक नहीं होगा आपका, इतना सारे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है। फिर भी और एक प्रॉब्लम है, लीवर फंक्शन टेस्ट देखने का बाद मिलता है लीवर बहुत डैमेज हो गया, कि उसके अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गया, NAFLD जिसको बोलता है, जो लोग ज्यादा स्पाइसी फूड लेता है, खाता है, उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जंडिस हो सकता है, उसकी वजह से दूसरा हेपाटाइटिस, हेपाटिक कार्सिनोमा, मतलब कैंसर भी हो सकता है। तो मैं आपको सबको ये सजेशन दे रहा हूँ, डोंट ट्राई टू टेक सो मच ऑफ स्पाइसी फूड, एंड प्लीज डोंट कंज्यूम सो मच ऑफ अल्कोहल, सो दैट योर लिवर कैन बी डैमेज, योर लिवर सेल डैमेज हो जाएगा, स्कार सेल अगर ज्यादा लिवर में आ गया, सिरोसिस हो गया, उसके बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में फेस करना पड़ेगा। किडनी, किडनी आपको ठीक रखना पड़ेगा, किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी विच इज एक्सक्रीटिंग ऑल द यूरिन। अगर किडनी को अगर ठीक रखना होगा, आपको हर रोज पानी पीना पड़ेगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से क्या होता है, जितना सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बॉडी में डेवलप होता है वो यूरिन का साथ निकल जाता है। तो ये सब के लिए जे सब काइंड ऑफ जो डिजीज हमारा शरीर में होता है, सबके लिए YTM का पास मैंने देखा है, जितना और उसका प्रोडक्ट लिस्ट है, सब टाइप का प्रोडक्ट उसका है, हेल्थ के लिए है, लिवर के लिए है। गैनोडर्मा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा जहां पर मैंने देखा है, बोन हेल्थ में गैनोडर्मा है, बहुत सारे प्रोडक्ट में देखा है गैनोडर्मा इज अ लिवर प्रोटेक्टिव एंड ऑल्सो किडनी प्रोटेक्टिव, इज अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, ये इम्यूनिटी पावर भी इसको बढ़ा देता है। गायनो जिसको औरत महिला को लिए बहुत सारे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑलिगोमेनोरिया जिसको बोलता है, होता है किसी को ज्यादा से ज्यादा पीरियड ब्लीडिंग होता है, किसी को एमनोरिया, 2 महीने से कोई साइकिल पीरियड नहीं चलता है, उसको वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए। तो एक कंपनी का गायनो के लिए अच्छा प्रोडक्ट भी है, एवं ये प्रोडक्ट देने से उसका गायनोकोलॉजिकल, जितना लेडी फिट जिसको मैं बोलता हूँ, लेडी फिट लेने से क्या होता है, उसका जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जिसको जाइट्रोलिजिया, इतना सारे प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस यूटेराइन ब्लीडिंग, हेवी यूटेराइन ब्लीडिंग, अगर जिसको ऐसा प्रॉब्लम होता है हॉर्मोनल डिसबैलेंस के लिए, उसके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, लेडी फिट आप लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो इतना सारे प्रोडक्ट लेके YTM मार्केट में आ चुका है, आई एम वेरी मच थैंकफुल, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स, सो फार माई नॉलेज गोज आई कुड सी दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड सो फार इन